मंदिर अपने आप में लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाता है। भले ही कोविड-19 में कई जिंदगियों को तबाह कर दिया हो, लेकिन बुढ़िया माई मंदिर पर कोरोना का डर घुटने टेकते हुए दिखा। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का भारत में कुछ अलग ही महत्व है और इसी महत्व के चलते माँ की आराधना सभी भक्तों के सिर पर चढ़कर सवार रहती है। भले ही अभी कोरोना जैसे राक्षस का सफाया नहीं हो पाया है, लेकिन मां के मंदिरों में भक्तों की उमड़ी ये भीड़ इस बात का पुख्ता सबूत है कि मां इस कोरोना रूपी महिषासुर का संहार करेगी और अपने बच्चों को पूरी तरह से इस असुर से महफूज रखेगी। कम से कम ये बात गोरखपुर के आस्था के प्रतीक बुढ़िया माई मंदिर में लगने वाली इन कतारों से तो साफ ही हो जाता है। ये लंबी कतारें इस बात का पैगाम भी देती हैं कि भले ही कोरोना ने कई जिंदगियों को काल के गाल में समा दिया हो, लेकिन हिम्मत और हौसले से हम इससे लड़कर आगे बढ़ेंगे और अपनी आस्था के आकाश पर अपना आत्मविश्वास का परचम लहराएंगे। कोविड-19 की वजह से भले ही इस बार मूर्तियों की संख्या और साइज कम हो गई हो, लेकिन बुढ़िया माई के मंदिर में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी ये बुढ़िया माई अपने बच्चों की हिफाजत करेगी। इसी भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर श्रद्धालुओं ने जमकर मां के दरबार में घंटे भी बजाए और नारियल भी चढ़ाए। कोरोना जैसे काल का प्रकोप भी आस्था पर भारी नहीं पड़ पाया। आइए जरा आपको सुनाते हैं कि श्रद्धालुओं ने बुढ़िया माई के दर्शन के बाद सिटी वन से क्या कहा। मैं यहाँ पे पिछले 10-12 साल से आ रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी तब से, और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा ही आस्था है। हम लोग यहाँ हमेशा पूजा पाठ करते हैं, स्पेशली नवरात्रि में। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरी ज़रूर होती है। आप भी यहाँ आएँ, मन्नत अपनी पूरी करें। आस्था तो यहाँ की बहुत ज़्यादा है और मतलब हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, 20-25 साल से मतलब हम देख रहे हैं, तो आस्था यहाँ की बहुत है और नवरात्र के टाइम पर श्रद्धालु यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं। अभी जैसे नवरात्र चल रहा है, आप भी लोग आए हैं, क्या लगता है कि माता सबकी मनोकामना पूरी करती है? मनोकामना सबकी पूरी करेंगे और सबसे बड़ा फैक्टर ये दिख के आ रहा है कि कोविड के चलते लोगों को टेंशन नहीं है कि मतलब कोविड भारी पड़ेगा, आस्था भारी पड़ रही है यहाँ। हर साल की तरह इस साल भी भीड़ में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लोग पूरे उत्साह के साथ इस शारदीय नवरात्र में मां के सामने मन्नतें मांगने आ रहे हैं, क्योंकि गर्रा नाला के पास मां का ये मंदिर, जिसमें सफ़ेद साड़ी में लिपटी मां की प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा गया है कि मां की प्रतिमा सफ़ेद साड़ी में विराजमान हो। आइए जरा सुनते हैं बुढ़िया माई के मुख्य पुजारी और अन्य पुजारी। मंदिर का इतिहास है, बुढ़िया माई का मंदिर प्राचीन मंदिर है, स्थापना दुर्गा जी का है, लेकिन बुढ़िया माई लोग कहते हैं। किसी समय इस पूरे नाले पर काट का फूल था, उस समय दुर्गा जी बुढ़िया का रूप पकड़ करके बैठी हुई थी और उस समय हरजनों की नाच और बारात जा रही थी और बोली नाच दिखा दो, लेकिन बारात वाले नाच वाले हंसी उड़ाए और चले गए। दूसरे दिन लौटते समय फिर दुर्गा जी बुढ़िया का रूप पकड़ करके उसी काट के पुल पर बैठी हुई थी और बोली नाच दिखा दो, लेकिन तो हंसी उड़ाए सब, लेकिन उसमें का जोकर जो है बांसुरी बजा करके ज्यों ही पुल से उतरा त्यों ही पुल टूट गया, बारात और नाच डूब गई। सही नाम है बारात गाड़ा समय ढाड़ा कुंड, तभी से बुढ़िया माई के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ दूर दराज से आते हैं, क्योंकि यहाँ गोरखपुर में एयरफोर्स, RPSF, RPF, PAC हर फोर्स है और हर फोर्स के जवान हैं और हर प्रांत के हैं, क्योंकि यहाँ नाम सुनकर के माता जी का दर्शन करने आते हैं। माता जी सबकी मन्नतें पूरी करती हैं। मुख्यमंत्री जी का इस मंदिर से अच्छा लगाव है, आते हैं मंत्री जी और यहाँ का देख रेख भी देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो बिजली की व्यवस्था और ये पाइप वगैरह की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सब कुछ, शौचालय की व्यवस्था होने जा रही है, पोखरे की व्यवस्था हो रही है, रोड बन गया, आने जाने के लिए सुविधा हो गई,
तो बहुत श्रद्धा है उनकी, आते हैं दर्शन करते हैं माता जी का, माता जी उनकी मन्नत पूरी करती हैं। बुढ़िया माई का मंदिर है, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और माता जी की ऐसी कृपा है कि इनके दरबार में जो भी भक्त आशा करते हैं वह निराशा नहीं होते, लेट होता लेकिन पूरा होता है। देवरिया कस्या भाजी नगर नेपाल बुटवल बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और माता जी की महिमा परम्पार है, यहाँ से जो भी आते हैं दुख लेकर और सुख में होकर और खुशी से जाते हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्या लगता है नवरात्र की वजह से कि हमेशा ऐसे नहीं? नवरात्र में तो थोड़ा भीड़ अधिक हो गया है, अन्य दिन कथा कराही पूजन मुंडन विवाह दखैया जो भी होता है, ऐसा नहीं है कि अन्य दिन भी हजार दो हज़ार आदमी आते हैं और नवरात्र तो इस समय आदमी अधिक हो गया, श्रद्धालु भक्त अधिक हो गए हैं। लोग बड़े बेफिक्री से माँ के दर्शन के लिए आतुर दिखे क्योंकि आस्था और विश्वास के आगे हर डर घुटने टेक देता है। ये भीड़ अभी आने वाले समय में अपना अलग ही रूप लेगी और माँ का दरबार ऐसे ही सजता रहेगा। पूर्वांचल का प्राचीन बुढ़िया माता मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा आस्था के केंद्र है, यहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। लेकिन बात करें नवरात्र की तो नवरात्र में विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ पे आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरा करते हैं। सिटी वन के लिए रुपेश कुमार, गोरखपुर।